चेन्नई के कंदन चावड़ी में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई है, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। NDRF और पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नोएडा के साहबेरी हादसे की तरह ही कंदन चावड़ी में यह हादसा हुआ है। डिजास्टर मैनेजर कमिश्नर राजेंद्र रातनू ने बताया कि इस 4 मंजिला इमारत के ढहने से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव के लिए SDRF के 30 जवान, NDRF की 2 यूनिट और 8 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। चेन्नई जिला कलेक्टर समेत 10 अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से राज्य आपदा प्रबंध टीम को हालत की निगरानी करने को कहा गया है। अभी मलबे को हटाने और लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। अभी तक इमारत के ढहने का कारण पता नहीं लग सका है। 17 जुलाई की रात ग्रेट नोएडा के साहबेरी में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें 2 इमारतें ढह गई थी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।